जय हिंद। आशा करता हूँ कि आप लोग रोजाना की तरह अच्छे होंगे। सब जानना चाहते हैं कि जो गिब्स ऊर्जा है और नेस्टर समीकरण है, इनमें क्या रिलेशन हो सकता है? क्या गिब्स ऊर्जा की सहायता से हम नेस्टर समीकरण प्राप्त कर सकते हैं? या अगर हम बात करें, ये गिब्स ऊर्जा का फॉर्मूला बेसिकली आता कहाँ से है? तो पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूँ कि गिब्स ऊर्जा का फॉर्मूला आता कहाँ से है, ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो होगा सबसे पहले गिब्स ऊर्जा का जो अरेंजमेंट है, आप जानते हो कि कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर आपके पास वोल्टेज गुणा आवेश होता है। बताओ होता है कि नहीं होता? ये आपने कहीं ना कहीं भौतिक विज्ञान में भी पढ़ा हुआ होगा कि कार्य बराबर विद्युत विभव और गुणा आवेश की जो मात्रा है वो, ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें आवेश की मात्रा की, क्योंकि हमारे पास जो विद्युत रासायनिक सेल है, तो विद्युत रासायनिक सेल में जो ऊर्जा है उसको हम कार्य के रूप में नहीं लेके चलेंगे। हालांकि कार्य और ऊर्जा एक ही बात है, कार्य करने की दर को ही तो ऊर्जा कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लेकर के चलते। तो गिब्स ऊर्जा के लिए W को तो कन्वर्ट कर देंगे साहब किसमें, डेल्टा जी में, और वोल्टेज को, अब वोल्टेज तो सर हमारे पास इलेक्ट्रोड विभव है, तो इलेक्ट्रोड विभव को हम क्या कहते हैं, ई सेल। क्लियर है इतनी बात? दूसरी चीज हमारे पास है आवेश की मात्रा, और आवेश को हम क्या कहते हैं, रासायनिक बैटरियों के लिए, है ना, जो हमारे पास रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का जो सिस्टम है, जो प्रोग्राम है, ये फैराडे ने हमें क्या बताया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और गुणा फैराडे नियतांक, ये भी हमारे पास कूलाम प्रति मोल ही इसकी यूनिट जो है होती है। तो आवेश की जगह हम डायरेक्ट NF लेकर के चलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी? तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारे पास गिब्स ऊर्जा बराबर NF इंटू ई सेल। अगर हम मानक अवस्था के लिए लिखे इसको, तो मानक के लिए लिख सकते हो डेल्टा जी नॉड इजकल टू NF ई, और इसके ऊपर भी क्या लगा लेंगे, नोड लगा लेंगे, नोड के लिए ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा। तो ये हमारे पास गिब्स ऊर्जा का सूत्र, बहुत से बच्चे कहते हैं ना कि पता नहीं कहाँ से मुसीबत आ गई, तो ये कोई मुसीबत नहीं है, बेसिक फॉर्मूला है, आपने 11-12 में कहीं पढ़ा होगा। तो कार्य बराबर जो होता है विद्युत विभव और गुणा आवेश, उसी के अकॉर्डिंग आप ये फॉर्मूला बेसिकली लिख सकते हो। अब बात करते हैं कि गिब्स ऊर्जा का मान माइनस किस केस में होगा और प्लस किस केस में होगा, या फिर साम्यावस्था वगैरह, ये सब जानने की आपको वैसे यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है फुल लेक्चर के साथ, आप लोग वहाँ जाकर के इसका पूरी फुल वीडियो जो है देख सकते हो। बट मैं आपको फिर भी बता दूँ, अगर हमारे पास एक सेल है, नेस्टर ने क्या कर दिया, इसके अंदर एक सेल ले लिया, और सेल को जो है इन्होंने यहाँ पर बताया कि जो गिब्स ऊर्जा होती है वो गिब्स ऊर्जा मानक के केस में और प्लस आपका क्या हो जाएगा, RT और लिन, ठीक है, लिन और लॉग KC, ये, या लिन लिख लो, लॉग लिख लो, लॉग लिखोगे तो यहाँ पर 2.303 का गुणा भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है, ये मानक के केस में आपका फॉर्मूला जो है ये हो जाएगा। बट अब आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर हम यहाँ क्या लेकर चलेंगे, हम माइनस लेकर के चलते हैं, ठीक है। इस माइनस का जो रीजन है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, स्वतः प्रक्रम ऐसा होता है, प्रक्रम या साम्यावस्था के लिहाज से ये सब माइनस प्लस यहाँ पर रखा जाता है, है ना। तो गिब्स ऊर्जा का मान धनात्मक, ऋणात्मक या फिर जीरो, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस या इक्विलिब्रियम के बेस पर ये रखा जाता है, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अगर अब हम यहाँ पर मान लीजिए, मैं यहाँ पर भी माइनस लगा देता हूँ, तो डेल्टा जी नोड का, जो नोड का मान है और डेल्टा जी का भी मान है, वो सारे के सारे मान हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो देखिएगा क्या होगा, माइनस के NF ई सेल इजकल टू माइनस NF ई नोड सेल। देखो फिर से समझो, अब यहाँ पर नोड नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला लगा देना है जिसके ऊपर नोड नहीं है। नोड लगता है दोस्तों 25 डिग्री सेल्सियस के लिए, 25 डिग्री सेल्सियस कह लो या फिर आप कह लो 298 केल्विन, ठीक है जी, 298 केल्विन। अब क्या करना है आपको, RT आपका सेम है, इसको चेंज नहीं करना, लिन KC, सही है। अब आपको इसको काटना है, कैसे काटेंगे, आप पूरे समीकरण को जो है, पूरी डेरिवेशन को जो है NF से भाग दे देंगे, और ये माइनस से ही भाग देंगे आप, NF इस, यहाँ भी NF माइनस के NF, फिर इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा माइनस के NF से, सही है। अब जो कटेगा उसको आप काट देंगे, NF से NF कट रहा है माइनस सहित, ये भी माइनस सहित कट रहा है, ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ई सेल, तो ई सेल
ई सेल इज इक्वल टू ई नोड सेल प्लस माइनस माइनस आर टी लिन के सी अपॉन एन एफ। अभी यहां पर आपको क्या करना है, आर का मान आपके पास है गैस नियतांक 8.314, टी का मान 298 कैल्विन रखेंगे जी, और फेराडे नियतांक का मान कितना होता है साहब, कितना होता है 96500। तो यहाँ पर सारे मान आप पुट कर देंगे। हालांकि आप इस समीकरण को यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, बट अगर आप इसको करना चाहो तो आप आगे जो है इसको ऐसे कर सकते हो क्या, ई सेल इजकल टू माइनस माइनस आर का मान है 8.314 गुणे टी का मान कितना है 298 केल्विन है, और लिन को जब आप लॉग 10 में कन्वर्ट करोगे या लॉग ई को जब आप लॉग 10 में कन्वर्ट करोगे तो एक संख्या होती है 2.303 और गुणा ये अब बन जाएगा आपका लॉग 10 और केसी, केसी क्या है साम्यावस्था स्थिरांक है, अपॉन में क्या जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और फेराडे नियतांक क्या होगा सर 96500। सही है, ये इतनी आपको कैलकुलेशन जो है करना है। कैलकुलेशन करने के बाद आपको जो फाइनल फॉर्मूला मिल जाएगा, वो फाइनल फॉर्मूला आपको मिलेगा ई नोड सेल माइनस, इसको जब आप कैलकुलेशन करोगे इतने पार्ट को तो 0.0591 अपॉन एन आपका जो का तो रहने वाला है लॉग 10 केसी। केसी के बारे में आप सबको पता है कि केसी क्या है, जो आपके पास प्रोडक्ट बना ऊपर वो आ जाएगा और अपॉन में आपके पास जो रिएक्टेंट की वैल्यू है जो भी होगी वो आपकी नीचे आ जाएगी केसी की जगह, ठीक है। तो ये इसी को हम कहते हैं नर्न्स्ट इक्वेशन, क्या कहते हैं जी इसको, नर्न्स्ट इक्वेशन या नस्टर समीकरण, ठीक है। तो ये आपके पास नए नस्टर समीकरण हो जाएगा। तो जो बच्चे वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को जो है वीडियो के माध्यम से आपको देते रहते हैं, ठीक है। तो फिलहाल वीडियो को वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी इससे संबंधित कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको उसका वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, कहाँ है कैसे अगर आपको मिल नहीं रहा होगा तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। ओके बाय।